गाइस मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल। गाइस आपको हर एक ग्राफिक डिजाइनर ये बोलता है कि अगर आपको डिजाइनिंग की इंस्पिरेशन लेनी है, डिजाइंस देखने हैं, नया ट्रेंड देखना है, तो आपको पिंटरेस्ट, ड्रिबल या फिर बिहांस जैसी वेबसाइट पे जाना चाहिए, वहां पे सारे डिजाइंस देखने चाहिए। और मैंने भी अपनी पिछली कुछ वीडियो में आपको यही बताया है कि आपको इन वेबसाइट्स को विजिट करना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बोलूंगा कि आपको इन वेबसाइट्स पे नहीं जाना, बल्कि आपको उन वेबसाइट्स पे जाना है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स, कुछ ऐसे पेजेस बताऊंगा जहां पे आपको डेली बेसिस पे विजिट करनी है। अगर आप वहां पे डेली बेसिस पे विजिट करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी और आपको पता लगेगा कि नया ट्रेंड ग्राफिक डिजाइनर कैसे फॉलो करते हैं और जो भी नया ट्रेंड आता है उसको अपने डिजाइन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पिंटरेस्ट, ड्रिबल या फिर बिहांस जो है ये बेकार वेबसाइट है, नहीं, ये अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे काफी अच्छे डिजाइन देखने को मिलते हैं, थीम देखने को मिलती है, लेकिन जो भी मार्केट में नए ट्रेंड चल रहे हैं वो एकदम से यहाँ पे नहीं आता है। जो ट्रेंड कल ही स्टार्ट हुआ है, कल रात में ही स्टार्ट हुआ है, वो एकदम से यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो जो मैं आज आपको वेबसाइट या फिर पेजेस बताऊंगा वहां पे आपको एकदम लेटेस्ट ट्रेंड देखने को मिलेगा और उस ट्रेंड का आप यूज करके अपने डिजाइन को, अपने क्लाइंट के डिजाइन को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एकदम से ग्रो करा सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे जो मेरा पहला पेज है वो है Zomato इंडिया। और ये एक ऐसा पेज है जहाँ से आपको डेली बेसिस पे जो भी नया ट्रेंड आ रहा है वो देखने को मिलेगा और ये लोग उस ट्रेंड को कैसे अपने डिज़ाइन में, अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं वो सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आजकल विनोद वाला काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, तो इन्होंने उसी का यूज़ करके कैसे यहाँ पे डिज़ाइन में अपने लगाया है। देख रहा है ना विनोद कैसे ग्रीन टी पी के सबको हेल्थी लाइफ स्टाइल का ज्ञान दे रहा है। तो इस टाइप से हमारे को भी अपने जो भी हमारे डिज़ाइंस हैं, जितने भी हम क्लाइंट के लिए डिज़ाइन बनाते हैं, उनमें भी इन ट्रेंड्स का यूज़ करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा पेज है Zomato का और इनकी जो क्रिएटिव टीम है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपको इसको हमेशा फॉलो करना चाहिए और डेली बेसिस पे देखना चाहिए कि ये लोग कैसे आइडियाज़ जनरेट करते हैं, कैसे सब कुछ बनाते हैं। आप ये देख सकते हैं ये कितना अच्छा एक यहाँ पे बना रखा है, ये सिंपली मैगी ले रखी है और वीडियो के आगे ऐसे कर रखा है। तो ये इनकी एक क्रिएटिविटी है और जब आप सारी ऐसी चीज़ें देखना स्टार्ट कर देंगे तो आपके अंदर खुद से क्रिएटिविटी बिल्ड होने लग जाएगी। आपको पता लगेगा कि हम लोग कैसे नए ट्रेंड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मुझे सबसे बढ़िया पेज लगता है वो है फेविकोल का, और फेविकोल भी बहुत ही अमेजिंग पोस्ट और बहुत ही अमेजिंग कॉपीराइट लिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बरसात का मौसम है तो इन्होंने पानी में भी वही मजबूत जोड़। तो ये एक इस टाइप से लिखने का मतलब कि आप देख सकते हैं कि डिज़ाइनिंग कुछ नहीं है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अलावा यहाँ पे ये दिखा रखा है, तो ये इनकी सब क्रिएटिव टीम ही करती है। क्रिएटिव टीम पे ही ये सारा डिपेंड होता है कि हमारे को क्या चीज़ दिखानी है और ग्राफिक डिज़ाइनर ही ये सब कुछ करता है। तो इस तरीके से आप भी अपना काम कर सकते हैं। दिखा रखा है कि कितना स्पेस में कैसे सब उड़ते रहते हैं और इनका जो फेविकोल का डब्बा है वो नीचे ही रखा हुआ है। तो इस टाइप से आप भी ये सब कुछ दिखा सकते हैं और आपको ये सारे पेजेस विजिट करने चाहिए। अब जैसे कि ब्रेक अ लेग लेकिन इम्पॉसिबल दिखा रखा है, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर ने तो बनाया होगा लेकिन उसने सोचा है कि कैसे बना सकते हैं, कैसे ब्रांड को दिखा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पेज हैं। इसके अलावा जो एक नेक्स्ट पेज आता है वो है हिमालय का, और यहाँ हमारे को हिमालय में देखने को मिलता है कि कैसे ये लोग जो भी अपना प्रोडक्ट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनका प्रोडक्ट है कोई भी नीम या हल्दी का तो आप दिखा सकते हैं कि ये कैसे इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है, कैसे कलर थीम रखते हैं, कैसे उसमें उस प्रोडक्ट में जो चीज़ यूज़ हुई है उसको कैसे उस डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लेमन वाला एक यूज़ हुआ है तो इन्होंने कैसे येल्लो के साथ में येल्लो को कैसे मर्ज कराया है, कैसे येल्लो बैकग्राउंड है लेकिन येल्लो ही प्रोडक्ट है तो कैसे उस पर देखने में वो अच्छा लग रहा है। तो इस वाले पेज से आपको पता लगेगा कि हम लोग कैसे किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और उसमें जितने भी प्रोडक्ट हम लोग एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं उनको हम लोग कैसे रख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पेज है वो है पल्स का, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पोस्ट बनाते हैं। इनमें जो कंटेंट लिखा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होता है। जैसे कि ये लोग नई जो भी मूवीज़ आती है उनको ज़्यादातर हिट करते हैं, उनसे मीम्स निकालते हैं, जैसे कर्म से टेंगी, धर्म से मसालेदार। तो इस टाइप से जितनी भी मूवीज़ वगैरह आती है ये उनको ही ट्रेंड में बना लेते हैं, जैसे प्राण जाए पर पल्स ना जाए। तो
तो इस टाइप से ये सारी इनकी क्रिएटिविटी है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, मैं भी इस टाइप का काम कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर आपको टेक का देखना है तो ये नॉइज़ है, नॉइज़ इंडिया, ये भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं और आपको पता लगेगा कि ये लोग कैसे अपने प्रोडक्ट में टाइपोग्राफी का यूज़ करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का, शेप का यूज़ करते हैं। इनमें काफ़ी अच्छी टाइपोग्राफी की भी होती है कि आपको जो भी प्रोडक्ट है उसके आगे या पीछे या ऊपर उसके टाइप किया हुआ दिखता है। इसी के साथ है एक बोट का, और बोट में भी काफ़ी अच्छी टाइपोग्राफी का यूज़ हुआ होता है, और आप देख सकते हैं कि इसमें 3D एलिमेंट या फिर जो भी इनके प्रोडक्ट हैं उनको कैसे ये लोग यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैसे हेडफोन का एक पोस्ट बना रखा है इन्होंने। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पेज है जहाँ पे आप डेली बेसिस पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे डेली पोस्ट नहीं पढ़ते, लेकिन ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जोमेटो, फेविकोल, हिमालय, यहाँ पे काफ़ी रेगुलर पोस्ट पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा एक है पास पास का जो पेज है, ये भी काफ़ी अच्छा और ये भी काफ़ी क्रिएटिव, और ये जो है इलस्ट्रेशन बेस काफ़ी ज़्यादा पोस्ट बनाते हैं। तो आप यहाँ से इलस्ट्रेशन का आइडिया ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे ये लोग इलस्ट्रेशन का यूज़ करते हैं, और हम भी अपनी वेबसाइट से निकाल करके इलस्ट्रेशन का यूज़ करके ऐसे क्रिएटिव एड बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है मैकडॉनल्ड, और यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि जो इनकी ब्रांडिंग है, ये जो ब्रांडिंग है जैसे कि एम इनका इसमें येलो कलर है, तो ये अपने येलो और रेड को ही कैसे अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कुछ पेजेस हैं जिनको आपको डेली बेसिस पे विजिट करना चाहिए। अगर आप इनको डेली बेसिस पे विजिट करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी खुद ब खुद इंक्रीज़ होगी, और आपको पता लगेगा कि हम लोग कैसे ट्रेंड में काम कर रहे हैं, कौन सा ट्रेंड हमारे को फॉलो करना चाहिए। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लगा होगा कि हमारे को किन किन वेबसाइट्स को, किन पेजेस को डेली बेसिस पे विजिट करना चाहिए। तो इसी टाइप के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।